देवरिया विधानसभा उप निर्वाचन का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर एवं डीआईजी राजेश जी मोदक ने देवरिया पहुंचकर मतदान कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी अमित किशोर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र, सामान्य प्रेक्षक डीडी कपाड़िया एवं व्यय प्रेक्षक राजेश रंजन पूरे दिन क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे। शांतिपूर्ण निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु तैनात मतदान कर्मियों, पुलिस अधिकारियों व जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों सहित जुड़े अन्य अधिकारियों को निर्देश देते रहे। सभी बूथों पर कोविड-19 के प्रावधानों का पालन कराए जाने के निर्देश देते रहे। इस दौरान सभी बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी। सभी मतदाताओं को थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइज, मास्क व ग्लव्स भी तैनात कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया गया। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने डीआईजी राजेश जी मोदक के साथ मतदान कार्यों का जायजा लेने हेतु विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर इंटर कॉलेज, गौरी बाजार एवं देवगांव में स्थापित बूथ के मतदान कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क पर अपनी थर्मल स्क्रीनिंग कराई तथा उपलब्ध कराए जा रहे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सामग्रियों यथा मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस डेस्क पर तैनात कर्मी को सभी की स्क्रीनिंग व मास्क आदि की उपलब्धता कराए जाने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देखिए जो देवरिया की सदर सीट है, जैसा कि आपको पता है कि इसका बाय इलेक्शन हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिलाधिकारी देवरिया साहब ने कर रखी है और हम लोग पहले भी एक बार इसको रिव्यू करके गए थे। आज जनरल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएँ हैं। कुछ पोलिंग बूथ हम लोगों ने विजिट किए DIG साहब के साथ, एसपी साहब भी, और हमने पाया कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हमें किसी भी तरफ से कोई भी शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई और हम आशा करते हैं कि DMKF हर शाम को संपन्न होगी और ये प्रक्रिया नियमानुसार माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देश के क्रम में। देखिए EVM कहीं बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं आई हैं, मुझे बताया गया 3 जगह EVM को बदलने की आवश्यकता पड़ी और ये हर चुनाव में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जो संख्या हमारे 487 पोलिंग बूथ में जो EVM गई है उनमें से 3 को अभी तक शायद बदला गया है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो उस हिसाब से उसको तुरंत चेंज कर दिया गया है नियमानुसार, वो नियम में प्रावधान है उसी हिसाब से।